तो गाइस कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। और गैस करो इस वक्त मैं कहां हूं। थोड़ा और क्लू देता हूं, थोड़ा और यह हूं मैं शाहरुख खान के घर के बाहर। और स्टारडम किसे कहते हैं गाइस, यहां बिल्कुल पता चल रहा है कि हाँ ये है स्टारडम। कोई किसी एक्टर के कोई दूसरा एक्टर होता है उसके बर्थडे पर कोई भी नहीं आता, 5-6 फैंस आ जाते हैं, 10 के 10 फैंस आ जाते हैं, पर यहाँ पर बस के बस रुकी हुई हैं। और यहाँ पर एक झलक आपको भीड़ के दिखाता हूँ मैं, कितनी भीड़। ओफो यहाँ भीड़ देखिए दोस्तों, भीड़ देखिए। बर्थडे से एक दिन पहले का आलम है, या अभी बर्थडे नहीं है, बर्थडे पर तो यहाँ पर मैं वीडियो बना भी नहीं पाऊँगा, इतनी भीड़ होगी। और यहाँ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है, और दो बस रुकी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर। ये देखिए जिधर जिधर देखो उधर ही भीड़। ये होता है किंग खान का स्टारडम, ये है किंग खान का स्टारडम। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सब्सक्राइबर मिल गए हैं मेरे एक, और बहुत ही खुश हो गए हैं मुझे देखकर। तो बताइए आप सबसे पहले शाहरुख खान सर के बारे में बताइए, और क्या लेकर आए हैं, या अपने साथ क्या बता। मैं यही बताना चाहूँगा सर के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, सर भी दिल्ली से हैं, और मैं जो है दिल्ली से निकला था 1 अक्टूबर को जो है दिल्ली से निकला था करके, और अभी जाके मैं पहुँचा हूँ सर के पास, 11 बजे पहुँचा हूँ सुबह 11 बजे। और मेरी यही ख्वाहिश है कि सर से मैं एक बार मिल पाऊँ, और जो है मेरी मनोकामना तमन्ना जो है पूरी हो जाए। आप सबकी दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह पूरी जरूर होगी। और आप मुझे देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए थे, कुछ मेरे बारे में भी अगर आप बता दें। मैंने एक्चुअली आपका वो चैनल जो है ना, चैनल वो आपका देखा हुआ था, और आपका चैनल मैं हमेशा सुनता हूँ, जब आप शाहरुख सर के बारे में कोई भी न्यूज़ देते हो तो मैं हमेशा देखता हूँ, तो इसीलिए बहुत एक्साइटेड हो गया था आपको देख। तो शायद मेरा वीडियो जो है इतना पॉपुलर होगा कि मैं शाहरुख सर से मिल सकूँगा। गाइस जो अभी आपने देखा, जिनकी वीडियो आपने देखा, ये थे शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन, और ये इनका कहना ये था कि ये 1 अक्टूबर से चलकर आए थे, मन्नत पे चलकर आए थे, कोई किसी व्हीकल का इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। तो दोस्तों पहले तो मुझे भी ये बात फेक सी लगी, लेकिन जब बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन करा, इधर उधर से पूछताछ करवाई, तो ये बात बिल्कुल सच निकली, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि यह फ़ैन शाहरुख खान का चलकर आया था मन्नत तक, दिल्ली से मुंबई ये चलकर आया था, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं यही ख्वाहिश रखूँगा कि ये जल्दी से जल्दी शाहरुख खान से मिलने में। और ये वीडियो है दोस्तों 1 नवंबर का, 1 नवंबर को देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ थी, बर्थडे से एक दिन पहले की भीड़ कितनी थी, बसें रुकी हुई थी। और ये चीज़ तो नॉर्मल है, आप कभी भी चले जाओ मन्नत, आपको भीड़ मिलेगी मिलेगी, इतना किसी सेलिब्रिटी के बर्थडे पे भीड़ नहीं होती होगी जितना मन्नत के नॉर्मल डे पे भीड़ रहती है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब शाहरुख खान सर आए थे मन्नत, रात को 12:30 बजे वो आए थे, तो तब भीड़ का क्या आलम था, और मैं भी वहाँ मौजूद था। अब आप वो वीडियो भी एक बार देखें। बाप रे, ये आलम तब था दोस्तों जब बहुत तेज तेज बारिश पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अचानक बारिश पड़ गई थी, और मुझे देख सकते हो आप, मैं भी मौजूद था वहाँ पर, इतनी बारिश पड़ गई थी तब ये आलम था दोस्तों। मतलब बारिश में कुछ लोग तो ऐसे होंगे अधिकतर के जो आए भी नहीं होंगे, तब इतनी भीड़ थी। तो ये है स्टारडम, ये है प्रूफ, और ये है प्रूफ कि शाहरुख खान सर को सिर्फ एक फिल्म की ज़रूरत है, सिर्फ एक अच्छी फिल्म की ज़रूरत है, और जितने भी ये रिकॉर्ड बनाकर उछल रहे हैं सब तहस नहस होने वाला है, सब तहस नहस होने वाला है, और अनाउंसमेंट भी दोस्तों जल्दी ही होने वाली है। ठीक है गाइस, कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, कोई सवाल हो मेरे से जरूर पूछें, और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरी ID का लिंक है। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।